करके ऐसे जंग भाई रोड आ रहे हैं से मिले क्योंकि जो भी इसको जो बच्चे अनाथ हो गए हैं दोनों पढ़ रहे हैं जो भी होगा उसको सहयोग करेंगे। और ये घटना बहुत दुखद घटना और सबना घटना है, किसी के साथ में कोई कुछ बात नहीं बल्कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कर दिया उसको जैसे भी हो इस परिवार भर से साथ पैदा करेंगे। जो जैसा किया काम उसको छोड़ेगा नहीं, पकड़ा गया अपना संरक्ष किया पक्ष काम छोड़ेगा नहीं। आजकल न्यायालय भी सख्त हो गया इस सब मामले में, इसलिए हमको विश्वास है कि कैसे कड़ी सजा मिलेगा। हम लोग भी चाहते हैं संता के लोगों को आवाम को जनता को जो तो दुख हुआ है इस घटना से उसको राहत मिलेगी, परिवार को भी राहत मिलेगी। हम लोग उस परिवार के साथ जो बच्चा पढ़ लिख रहा है हमारे पोते साथी से लड़का हो लोग हर सक पड़ते हैं सरकारी मदद हो अपना तरफ से सहायता हो हर तरह से उसको हम लोग मदद करेंगे, हर तरह से उसको हम लोग मधुपुर से जनता से अपील है कि उसको एकदम शांतिपूर्वक उसको समझा जाए। कोई घटना घटे तो शांतिपूर्वक समझा जाइए, घटना को घटना समझा नहीं जा सकता है। ये घटना घट गई हम दूसरा घटना करके समझाएंगे नहीं हो सकता है, अगर घटना हो जाता है उसको शांतिपूर्वक समझना चाहिए। न कोई पार्टी पॉलिटिक्स न कोई संप्रदाय की बात नहीं है, जो गलत किया है वो किसी जात का नहीं किया है, जो मारा है वो मनुष्य था जिसको कुछ किया, इसलिए इस पर कोई राजनीतिक कुछ नहीं होना चाहिए, इसको सबके इसके साथ सबको सहानुभूति है रहना चाहिए। राजनीति कभी नहीं हो यही चाहेंगे, मैं तो जिंदगी में ऐसा राजनीति कभी नहीं किया है, किसी के मैयत पर किसी के मौत पर किसी दुख बड़ी मैयत नहीं किए, उसके साथ सबको रहना चाहिए। नशा चलो सब प्रयास करेंगे, रुकिए सबका जिम्मेवारी है, प्रशासन का जिम्मेवारी सबका जिम्मेवारी है, जब बाल बच्चा को संभालने घर में पी बाकी आता है जिम्मेवारी सबके जिम्मेवारी है। जो नशा से हम लोग परहेज करें, जो उससे लड़का करता है उसे हम समाज में बहिष्कार करें, तो वह पीने के बाद उस बहादुर पहलवान बन जाता है, तो समाज भी अपना करते हैं उस परिवार को रखा तब ही कुछ हो सकता है, वो उसको बवाही नहीं देंगे हम उसको हम लोग बैठा करेंगे तभी कुछ हो सकता है।